मामला था जो बच्चे चक्का जाम किए थे? विद्यालय में गंदगी के लिए चक्का जाम किए थे और पीने का पानी के लिए। पीने के पानी में क्या था? पंप खराब है, समरसेबल खराब है, इसलिए बनवाने के लिए मैं मिस्त्री लेके आई थी और मैं खुद मिस्त्री बुलाई थी कि सैटरडे को, तो सैटरडे को काम नहीं हुआ, कल संडे, आज उसको आना था, आज हम आए 7:30 बजे, सब यहाँ चक्का जाम कर दिए, मुझे भी अंदर नहीं आने दिए, मेरा मिस्त्री भी सुबह से बैठा है, तो कोई काम नहीं हुआ, सारे अधिकारियों को बुलाया गया। महिलाओं का जो टॉयलेट है और पीने का पानी है, ये सारे गंदगी से भरे हुए हैं, पानी में कीड़े आते हैं, तो क्या आपको ये पहले तो नहीं पता था? जब बच्चे बीमार हो जाएंगे तो कौन जिसका जवाबदेही होगा? सब सफाई हम करा रहे हैं, बाकी विद्यालय में इतना अनुशासन व्यवस्था खराब है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, काम करने को कहो। जैसे देखिए अभी टीचर्स फ़ोन खींच के दिखा रहे हैं कि क्लासरूम गंदे हैं, सबको झाड़ू, सबको फिनाइल, ये सब कुछ मैं भी उपलब्ध कराती हूँ। मैम, अनुशासन की आपने बात की, आपने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? जी, अपने प्रबंध समिति को, क्योंकि ये मेरा मैनेजमेंट का विद्यालय है। उन्होंने क्या तो कहा? कोई भी काम जो होता है प्रिंसिपल अकेले नहीं करती है, मैनेजमेंट से कुछ थ्रू बात होती है। संबंधित अधिकारी ने आपकी शिकायतों का क्या जवाब दिया? बनेगा तो बनेगा में अभी 2-4 दिन हुआ है, जैसे मान लीजिए कि भाई घर में भी सफाई एक दिन नहीं होती है तो घर गंदा हो जाता है। ओके, एक सवाल आपसे और, आपको पता था कि जुलाई नए सत्र की शुरुआत हो रही है, स्कूल कॉलेज सब खुलेंगे, उससे पूर्व सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया, उसके लिए कोई पहल नहीं की गई? हमें मैनेजमेंट से अनुमति नहीं मिली, नहीं कर सफाई व्यवस्था की मैनेजमेंट ने अनुमति नहीं दी आपको? कोई फंड नहीं, सफाई व्यवस्था तो मैंने सफाई कराया, झाड़ू देकर सब सफाई कराया, लेकिन अब गंदगी कहाँ से आ गई है, सफाई होने के बावजूद भी गंदगी दिख रही है, तो उसके बाद उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। विद्यालय खुलने से पूर्व आपने यहाँ सफाई कराया को देखी थी? हाँ, हम तो रोज ही आते थे, तब जून में हम लोग की कोई छुट्टी नहीं होती। हाँ, सब ठीक। आपके कहने का अर्थ ये 2 या 3 दिन की गंदगी? जिस तरह से टंकी के अंदर क्रैक्स और इस सब की पन्नियाँ पड़ी हुई हैं और जो पत्थर वाली टंकी है उसमें जो है गंदगी है, कीड़े हैं, कीचड़ है, ये क्या पहले से आपको नहीं पता था? उसकी सफाई मैं कराऊंगी। कराऊंगी कब कराऊंगी बताइए, कब कराएंगे? जब आदमी बीमार हो जाएगा तब बताइए, बताइए आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं अभी पानी की व्यवस्था होते ही मैं उसको करा दूँगा। हाँ ठीक है मैडम। यहाँ पे विद्यालय में इतनी 8-9 महीने से ऐसी अव्यवस्था, ऐसी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें अगर मैं सफाई कराती हूँ तो भी वो गंदा हो जाता है। कोई चीज़ मैं पंप बनवाती हूँ, ये पंखा बनवाती हूँ, अभी चल रहा है, अभी खराब हो जाता है। क्या नाम है मैडम आप? नीलम भूषण, प्रधानाचार्य। क्या चीज? प्रधानाचार्य नीलम भूषण। पीने वाला पानी जो आप पीते हैं वो टंकी से निकलता तो कैसा रहता है, गंदा रहता है? तू कब से बेटा गंदा है? बहुत दिन से। और जो टॉयलेट है वो भी? अच्छा अच्छा। और आपने शिकायत नहीं की प्रिंसिपल से? जोर से बोलिए, डरिए मत। तो क्यों नहीं शिकायत करी आप? क्यों नहीं किया शिकायत? मैम डांटती हैं। मैम डांटती हैं? अगर पानी आप गंदा पियेंगे, बीमार हो तो मम्मी पापा क्या कहेंगे बताइए? क्या नाम है आपका? ये बेटा पानी पीती हो जो टंकी में है उसमें कीड़े भी आते हैं, आपने देखा है? पहली बार टंकी को कोई पानी देता ही नहीं है, सब पानी। अच्छा, यानी पानी आप लोग लेकर आते हैं? बेटा आप पानी का बोतल स्कूल में लेकर आई हैं, क्यों लेकर आई हैं? नहीं, क्या यहाँ का पानी गंदा रहता है? अच्छा, कब से लेकर आ रही हो बोतल? बहुत दिन से। बहुत दिन से। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो बेटा। देखिए इधर ना, चलो यार।
इसको साफ कराइए, इसको यहाँ तो आप ठीक है, हाँ इसको साफ कराइए। कहाँ फिर इसको और ये जो रंगाई पुताई करा दी इसको करवाइए ना, हाँ लावारिस जैसा मत छोड़िए, आप प्रिंसिपल हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये बच्चों ने चक्का जाम यहाँ किया था भैया, लैट्रिन गंदी है, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं चलती, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टंकी इतनी गंदी टंकी में चीज़ नहीं थी और टंकी टूटी हुई है। अब बच्चों को ड्रेस नहीं मिला, 6 महीना हो गया बच्चों को ड्रेस नहीं मिला, अब भूख भी नहीं मिलती है, भूख किसी को मिलती है, भूख नहीं मिलती है। जब प्रिंसिपल से बोला जाता है तो प्रिंसिपल कहती है ये कब से पानी का गंदा आ रहा है, 5-6 महीना हो गया। तो इसके पहले कोई कंप्लेंट बच्चों ने आपसे नहीं किया गया? किया गया है, सर किया है, हम लोगों ने कंप्लेंट बहुत किया है। में किया गया, ये उससे क्या नाम है आपका? मेविस दास। हम क्यों किया था यहाँ पे? यहाँ पे पानी नहीं आता, यहाँ पानी की पोजीशन नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट पूरे गंदे है, यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं साफ करा थी बड़ी मैम, ना यहाँ पे टीचर पढ़ाती हैं और टीचर बस आकर बैठी रहेंगी और बच्चों के देंगे। नहीं पंखा नहीं चलता है और ना इतनी गर्मी लगती है, बस मैम कहती है बस पढ़ो, नहीं पढ़ाती बस कहती पढ़ती रहो, बड़ी मैम जब आती है बस दिखावा के लिए कर देती है सब। पानी बेटा कब से गंदा आ रहा है? बहुत दिन से आ रहा है, ये 4 महीने से आ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कौशल हाशमी है। हुआ था आज चक्का जाम क्यों किया था, रोड पे क्यों आप आ गई? पीने का पानी भी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम भी गंदा है।